जय हिंद। आज का वीडियो थोड़ा अलग टॉपिक पर है। एक्चुअली थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई और हमको यहाँ आने में लेट हो गया, इस वजह से थोड़ा सा कुछ लोगों के मन में डाउट हो गया। मेरा एक दोस्त है ना, उसको थोड़ा कोरोना बहुत सीरियस हो गया। वो होम आइसोलेशन में था, लेकिन हालत बिगड़ने की वजह से उसको हॉस्पिटल में भेजना पड़ा और आईसीयू में अभी वो एडमिट है। इस वजह से हम थोड़ा उसके देखरेख में लग गए थे, तो हम आके कुछ बता नहीं पाए। कुछ कंट्रोवर्सी हो गई है और वो बता रहा है मेरा दोस्त कि भाई जाओ, अब हम थोड़ा सा ठीक हैं। थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन हो जाना चाहिए कि कुछ लोग का कंट्रोवर्सी ये है कि मेरे नाम को लेके, कि मेरा नाम अमित सिंह है कि क्या है। दूसरा कि क्या हमने किसी जाति विशेष को पंचर वाला बोला है या पाकिस्तान वालों को बोला है। किसी को हमने 18 बच्चे पाकिस्तान के लिए बोले थे या यहाँ के लिए बोले थे, या फिर एक जहाज उड़ाने वाले कोई मैटर है, या फिर मेरे पोस्ट को लेके ऐसा कुछ है। तो हम आपको सब कुछ इसमें क्लियर कर देते हैं। इधर उधर कुछ लोग अपने चैनल चमकाने के लिए किसी को बदनाम कर सकते हैं। देखिए, जब पटना में थे तो हम हर त्यौहार को मिलजुल के मनाते थे, चाहे वो रक्षाबंधन हो, सरस्वती पूजा हो, दिवाली हो, ईद हो, सब त्यौहार मिलजुल के मनाते थे। लॉकडाउन के होने की वजह से ऑनलाइन आना पड़ा, तो कुछ लोगों को लगा कि ये खानसना अमित सिंह है, लोगों ने ट्रेन करा दिया कि ये इसका नाम क्या चीज़ है। अरे, नाम में कुछ नहीं छुपा हुआ है। देखिए, हमने एक वीडियो में हंसी मजाक में ऐसा एक वीडियो देखेंगे। लड़कों को कभी कभी हंसी मजाक में क्या होता है, लड़के पूछने लगते हैं, सर नाम बताइए ना, नाम बताइए, नाम बताइए। तो हंसी मजाक में आदमी कभी बोल देता है जालिम खान, कभी कुछ खान। तो इसी में हमने बोल दिया था ना, मुझे अमित सिंह के नाम से भी बुलाया जाता है। हमने ये नहीं कहा कि मेरा ये नाम है, जबकि हमको ऐसे लोग हमको अमित सिंह कह के बुलाते हैं। बुलाया जाने का मतलब क्या है, वो लड़के इतने जीत करने लगते हैं क्लास में, हो हो, आप सुने होंगे उसमें हल्ला बहुत ज्यादा होता है। अब लड़के मानते नहीं है, कहते नहीं सर, आप तो बोलते कि जालिम खान भी हमें बुलाया जाता है, जहरुद्दीन भी बुलाया जाता है, आप ऐसे क्यों किए। तो हमने उसमें बोल दिया कि लड़कों को चुप कराने के लिए बकला कर, हमको बैंक में भी यही बुलाया जाता है। हमने ये नहीं बोला कि मेरा नाम बैंक में यही है, बैंक में लोग हमें अमित सिंह ही कहकर बुलाते हैं। ऐसे बोल दिए कि लड़का सब समझ जाए, सर मुझे बैंक में भी यही बुलाया जाता है। और अब देखिए, कोई अपना नाम ऐसे हंस हंस के बताएगा, वो तो ऐसे हंसी मजाक, पीछे हिस्ट्री टेस्ट ले रहे थे उसी में हंसी मजाक हो रहा था। ललन टॉप से सिद्धांत जी ने हमें कॉल किया और वो बोले कि सर ऐसा क्या है। तो हमने भी उन्हें बताया कि ऐसा कुछ नहीं, हम हंसी मजाक में बोल रहे थे। तो देखिए, ये चैनल जो है ना, ये ललन टॉप के वीडियो में हमने एक स्क्रीन शॉट लिया था। एक लड़के ने कमेंट किया, नाम है कुमार आशीष, इन्होंने कहा कि जो वीडियो अमित सिंह वाले क्लिप है, उस दिन मैं भी क्लास किया था, उस दिन खान सर बस ऐसे ही सारे स्टूडेंट से हंसी मजाक करके ये सब बता रहे थे, जब स्टूडेंट ने उनसे नाम जानने पर जोर देने लगे थे। अरे यार, इधर देखो ना, उसमें हम ये भी बोले मेरा नाम खान सर नहीं है। भैया, नाम खान थोड़ी होता है, टाइटल खान होता है। हमारे एक सर थे यादव सर, उनको हम लोग यादव सर कहते थे। उनसे कोई पूछेगा क्या कि आपका नाम यादव है, तो कहे नहीं नहीं मेरा नाम राजेंद्र यादव है। तो पूरा नाम मेरा खान नहीं है, खान मेरा टाइटल है। यही तो हमने भी बोला ना कि खान मेरा नाम नहीं है, टाइटल है। यार, मेरा खान सर नाम नहीं है। और आप पढ़े लिखे जरा सोचिए कि अगर मेरा नाम खान नहीं रहता तो मेरी जितनी किताबें आती है, चाहे किरण पब्लिकेशन से आप देखेंगे, आरबीडी पब्लिकेशन देखेंगे, किरण पब्लिकेशन से तो हमने 26-27 किताबें निकाली है, उसमें सब में लिखा है खान सर। और आपको पता है कि नियम के हिसाब से, आप अपने हिसाब से, जैसे आर एस अग्रवाल है तो दूसरे का नाम नहीं लिख सकते। अब आर एस अग्रवाल का नाम आपको भी नहीं पता है, पी टी उषा का नाम आपको भी पूरा नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को। एस चांद, इतनी अच्छी किताबें हैं, बहुत फेमस किताब है, उसका भी तो पूरा नहीं नाम पता होता। लेकिन जब हम लोग ये रजिस्ट्रेशन कराते ना आईएसबीएन नंबर, तो उसमें हम बताते हैं यार, वो ऑथराइज पर्सन होना चाहिए ना जिसे बताने के लिए। ये लोगो रजिस्ट्रेशन कराएंगे लोगो का अपना, तो वहां पे भी हमको आधार कार्ड पैन कार्ड सब दे रहा था, उस सब में खान है। अरे यार, हम कैसे बताएं, हम उर्दू तक में किताब लिखवाएं उन लोग के लिए कि उन लोग का भी सिलेक्शन हो जाए, रेलवे में हो जाए। बताओ यार, उर्दू तक में किताब छपवाएं। और इसको बेसिकली दिल्ली से सप्लाई हुआ था, ये कश्मीर वगैरह में ये किताबें ज्यादा बिकती है उर्दू वर्जन में, वहां पे भी हमने खान लिखा। अरे यार, कैसी मानसिकता आप लोग की। अब बताओ, कोई अमित सिंह आपका उर्दू में किताब लिखेगा? हाँ भाई साहब, बहुत दिमाग है आप लोग के पास। एक्चुअली हम नाम इसलिए नहीं बताते कि शुरू से ही हम लोगों ने नहीं बताया। अब शुरू से जो हो जाता है, जैसे देखिए, मुस्लिम लोग अमूमन लुंगी पहनते हैं, आप इन्हें धोती दीजिएगा तो इन्हें धोती से ऐतराज नहीं है, इन्होंने पहना नहीं है इसलिए अजीब सा लगेगा। अब पंडित जी को धोती की जगह लुंगी दीजिएगा तो कहेंगे क्या दे रहे हो, वो गलत नहीं है। जैसे हम जिंदगी में कभी जीन्स नहीं पहने, हमें आप कहिए कि जीन्स पहनो, खान सर कभी जीन्स नहीं पहनेंगे, तो आप एक ट्वीट करा दीजिएगा ये एंटी जीन्स है, जीन्स नहीं पहनता, गलत है यार। ऐसा नहीं, सबकी अपनी अपनी एक आदत बन जाती है। कोई नॉनवेज नहीं खाता है, उसे चिकन दीजिएगा, मरेगा नहीं लेकिन वो नहीं खा पाएगा, अजीब सा उसको लगेगा, नहीं किया हमने। अब आप बताइए, मेरा 4 जून को अमेरिका में एक लेक्चर होने वाला है,
वो जो भारतीय लोग हैं जो वहां बसे हुए हैं वो भारत के किस काम आ सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। उन लोगों ने लेक्चर दिया, काफी यूनिवर्सिटीज में होगा वो चीज। अब वहां हम जब लेक्चर हुआ तो वहां अमेरिका गवर्नमेंट की जो एम्बेसी है उसने ऑफिशियल मेल किया, बताया कि हमें आपका पूरा डॉक्यूमेंट चाहिए, पूरा नाम चाहिए, तब हम आपको यहां लेक्चर की परमिशन देंगे, ऑनलाइन लेक्चर होगा, हमें जाना नहीं है। वहां हमने दिया है। अब आप बताइए, आप में से कोई उठ के कहेगा कि हम एनआरसी की ओर से आए हैं, खान सर आप अपना पेपर दिखाइए, आधार कार्ड दिखाइए, असली नाम बताइए, क्या हम उसको दिखा देंगे? अरे यार, कोई ट्रेन का ड्राइवर आपको आके हम कहेगा टिकट दिखाइए, नहीं दिखाएंगे, आप टीटी ही दिखाता है। तो हम खुद बता देंगे, और हम अगर आप प्यार से पूछते, हम खुद सोचे थे दो चार दिन में बता देते, लेकिन इतना कॉन्ट्रोवर्सी हो गया कि अगर अब बताएंगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि खान सर डर गया। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है यार, हम कोई आतंकवादी थोड़ी है जो हम छुपेंगे। हाँ, रही बात नाम की, तो कौन बनेगा करोड़पति में पूछेगा कि बताओ रियल नेम ऑफ खान सर। कंप्यूटर जी चारों ऑप्शन दिया जाए, देखिए फैजल खान भी कुछ कहते हैं, अमित सिंह कहते हैं, फैजल खान, मनान खान, कंप्यूटर जी किसे लॉक कर दिया जाए। तो आप लोग कोई जाइएगा ना कौन बनेगा करोड़पति में, तो बच्चन जी से कहिएगा, अमिताभ बच्चन जी से, कि हमको फोन लगाए, उस दिन हम आपको सही बताएंगे। अरे करोड़ों का चीज है ये, यहाँ पे इतने आराम से कैसे हमें बताएंगे? हमको कोई जोर जबरदस्ती करता है ना, हम कह देते हैं हाँ भैया आपको जो समझना है समझ जाओ, समझदार अपना समझ जाएगा। हम कभी भी खुल के ये नहीं कहें कि नाम यही है, हम बता देंगे आपको, जैसे कंट्रोवर्सी शांत होगी, मामला शांत होगा, खुद ही बता देंगे आपको। देखिए यहाँ से हम मुसलमान दिखते हैं, यहाँ से हम हिंदू दिखते हैं, इसमें से हम खान सर दिखते हैं, इसमें अमित सिंह दिखते हैं। तो भैया देखिए, रक्षाबंधन के त्यौहार में लड़कियाँ आती हैं, राखी बनती है, सबसे ज़्यादा राखी हम ही को माना जाता है। सरस्वती पूजा वगैरह में आते हैं लोग, वैसे ईद में आइए, मुहर्रम में हम सब करते हैं, आप कौन सा देखे इस पे? अब एक आदमी हमसे पूछ रहे थे कि आप कुरान बताइए, तो भैया कुरान की शुरुआत कहाँ से होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, आमीन। ये क्या बात है कि आपको कोई प्रूफ देता है, आके कुरान पढ़े, अब क्या अलिफ लाम मीम पढ़े? नहीं भैया, हमको 300 पारा नहीं याद है, हमको बुक खूब से खूब 30-40 तो सूरह याद है, हाफिज जी थोड़ी है जो हमको पूरा याद रह गया, आपको भी नहीं याद हो गया। अब मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त कहते हैं कि आप ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ के जाया कीजिए, तो इसमें दिन अच्छा रहता है, मतलब कोई गलत चीजें नहीं आती। जो हमारे हिंदू दोस्त है वो कहते हैं महामृत्युंजय जाप कीजिए, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम् वंदना मृत्यु और मोक्ष मातृताम। वो कहते हैं कि इससे अच्छा दिन हो जाता, हम वो भी पढ़ देते। कोई कहेगा गायत्री मंत्र पढ़ने के, वो भी पढ़ देते। हमको क्या मतलब, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें हिंदुस्तानी रहने दीजिए। गीता की वो बात याद है, बंधनम मरणम वापी जय वापी पराजय, उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। हर इंसान को एक समान भाव में रहना चाहिए, जीत हो या हार हो, जैसा भी हो, एक हिंदुस्तानी की तरह हम रहते। मेन विवाद कैसे हुआ, देखिए हमने किसी को अगर 56 भोज खाने के लिए दिए, उसमें एक चटनी भी है, अगर वो इंसान गलती से चटनी खा के चला गया और ये सब नहीं देखा, तो क्या कहेगा बाहर जाके? खान सर ठीक आदमी नहीं है, चटनी खिला के भेज दिया। अरे भैया तुमने नहीं खाया, हमने हजारों घंटा क्लास लिया, यूट्यूब पर हम महज 5% क्लास लेते हैं, 95% एप्लीकेशन पे लेते हैं। जो हजारों घंटा क्लास नहीं देखा वो 20-30 सेकंड के वीडियो देखेगा तो उसको यही लगेगा ना खान सर ने चटनी खिला के भेज दिया। या फिर जो लोग हमको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हम केवल आपकी यही बात देखेंगे कि आप हमें भला बुरा बोल रहे हैं, तो हम आपके बारे में क्या सोचेंगे? यही कि आप गलत इंसान है, लेकिन आप गलत नहीं हो, आपके पूरा देखना पड़ेगा तब ना समझ में आएगा। जो वीडियो देख रहे हैं लोग, उसके पहले का 10 मिनट और बाद का 10 मिनट देखिए, पूरा हो जाएगा। इवन जो आपको अपने चैनल को बढ़ाने के लिए दिखा रहा है वो भी आपको पहले और बाद का नहीं दिखाएगा, उसको पता है कि जस्ट यहीं से काट, यहीं तो मेन मजा है। बात समझिए, आधा जो सच होता है ना, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। एक ये लड़का मेरे यहां आया क्लास में, बेचारा कह रहा है कि गरीब है, यूट्यूब पे चैनल को ग्रो करना है। हमने इसको कहा क्लास के बाद में आना, इसने लिख दिया भागता है कि नहीं तुम, लिखता है देखिए खान सर कितना घमंडी है, वीडियो डिलीट करने से पहले देखिए, मिलियंस लोगों ने इसे देख लिया। हमने छोड़ दिया इसको, स्ट्राइक नहीं देते कि बेचारा गरीब है, इसका भी चैनल आगे बढ़ जाए, अच्छा ना है। लेकिन अगर कोई ये देखेगा तो क्या कहेगा कि खान सर बहुत ज्यादा घमंडी है। ऐसे यूट्यूब पर फेक न्यूज बहुत ज्यादा आते हैं सर, आप देखिए ये लिख रहा है सेक्स वीडियो का डिलीट होने से पहले देखिए, बताइए इसके पीछे उल्टा सीधा टिकटॉक का गाना बजा रहा था। हमको अब कोई देखेगा तो यही सोचेगा यहां देखिए एक किस कर रहा है किसी को, अब ये वीडियो मिलियंस तक में लोग इसको देखे हुए हैं। यहां पे देखिए ये क्या लिखता है भाई, खान सर की गर्लफ्रेंड, पुरानी वाली नई वाली, ये बताइए ये बदनामी ना कर रहा है यहां पर। ये देखिए क्या कर रहा, खान सर की शादी हो गई, रे भैया हम यहाँ कुंवार बैठल है, इन्हें शादी ब्याह करा दिया, अब हम किसको क्या बोलेंगे यहाँ पर? उल्टा सीधा हद तब हो गई जब भीम यूपीआई से खान सर क्लासेज नाम से एक फर्जी ऐप बनाकर यहाँ सबसे पैसे मांगे जाने गए, खान सर को इस पे हेल्प कीजिए, ये भीम यूपीआई बनाकर यहाँ पर लोगों ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। मेरी मम्मी एक बार डर गई, हमको वीडियो कॉल करने लगी, कहाँ हो बेटा कहाँ हो? हम क्लास में रहते हैं तो अमूमन मोबाइल ऑफ या साइलेंट रहता है, तो स्टाफ से कहें कि जल्दी सर को वीडियो कॉल पर दिखाओ। हम देखें
मम्मी से पूछे क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक वीडियो देखे थे खान सर की मौत, गाड़ी का टायर फटने से बड़ा हादसा। अरे भैया हम जिंदा हैं, उल्टा सीधा ये हम नहीं बनाते हैं, ये इस तरह से बना दिया जाता है। अब बताइए हम जिंदा हमको मर दे, हम किसको किसको सफाई देते फिरेंगे यहाँ पर। एक इतना बड़ा कमीना आदमी था, हम एक वीडियो में बता रहे थे कि देखिए इंसानियत रहनी चाहिए, सीता माँ जो थी वो लंका में भी सुरक्षित थी, और आज हम लोग अपने यहाँ बहन हमारी ये लोग उतनी सुरक्षित नहीं, इसका मतलब हम लोग बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो इसमें कोई गलत नहीं था, तो ये वो क्या लिखता है, पढ़ाई लिखाई के नाम पर देवी देवताओं का क्यों हो रहा है मजाक खान सर, हम क्यों मजाक करेंगे भैया। अब कहता है कि लौ कुश राम जी का नहीं, ये बताइए ये हमने नहीं बोला। अब इस पर कोई लोग बवाल करते तो कम से कम वो पढ़े लिखे लोग, वो समझते हैं कि एक दूसरा आदमी है कुछ कुछ कर देता है। यार हम कभी इतना वाहियात मजाक बोलेंगे, इनका एक वायरल कर दिया पीछे से आलू आगे से सोना, जबकि पूरा वीडियो देखे हैं, इस साइड से आलू डालो उस साइड से सोना निकालो, ये हो गया आपका आधा सच। अब देखिए पूरा सच, इस साइड से आलू डालो उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में, और अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए 3,000 रुपए दो। अरे अभी हम दोनों का टाइम खराब चल रहा है, आपका तो कुछ ज्यादा ही खराब चल रहा है, हमारा तो नॉर्मल है, कुछ लोग हैं लोग जो बढ़ के हैं, आप तो ज्यादा लोग बढ़ के हैं। जब आप किसी को उसके जाति या नाम से सोचने लगते हैं तो उल्टा सीधा होता है। देखिए एक आदमी कर रहे हैं खान सर का जिहादी एजेंडा बेनकाब, भैया हम क्लास ले रहे हैं यहाँ पे, उसको भी बोल रहा है इसको, हमको लिखा नया स्ट्रेन है यहाँ पे, ये भाई साहब इसको देखो ये क्या कर रहा है। खान सर पटना वाले मेरे गांव के, अब तोरा गांव के ना है रे, मैं गाली देता हूँ खान सर को, इसने गाली नहीं दिया, लोगों ने देखा कि काहे कर जा रहा है, इसका चैनल चल गया, प्रचार आ गया, पैसे कमा लिया। लोग आज के वक्त में पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये फेक न्यूज में आप लोग भी पड़ गए हैं, क्लिप काट काट के। यहाँ पढ़िए एंटी मोदी एंटी हिंदू रिवील खान सर एक्सपोज, बताइए हम एंटी मोदी हो गए एंटी हिंदू हो गए, हमारा क्या मतलब है भैया, मोदी जी अच्छा काम करते हैं तो हम अच्छा ही भी बोलते हैं, गलत करेंगे तो गलत भी बोल देंगे। यहाँ पे खान सर एक बार फिर बेनकाब हो गया, लो भैया हामिद अंसारी के साथ, मैं राष्ट्रपति के साथ, उपराष्ट्रपति के साथ मेरा फोटो लगा दी, हम क्या करेंगे। ये देखो अब कुछ कहते हैं मदरसा छाप जाहिल खान सर, हमारा मदरसा छाप जाहिल बोलता है, खुद ही हो गया एक्सपोज, 26-27 मिनट का वीडियो। ये लोग के कमाने का रास्ता है खान सर, खान सर को गाली दो, जब बराबरी नहीं कर सकते हैं तो जमीन के नीचे गड्ढा खोद दो कि गिर जाए। ये देखिए उल्टा सीधा फोटो लगा रहा है, नाइट फॉल्ट शीघ्र पतन, यही सब हम बताएंगे या आ जाओ यहाँ पे। ये क्लासेज जब चलते हैं, बायोलॉजी का हो गया या किसी चीज का क्लासेज हो गया, उसमें हर चीजें रहती है, उसमें से आधा काट काट के दिखाइए उल्टा सीधा, कोई मदरसा छाप बोल दे हमको, कोई कुछ बोल दे, तो हम किसको सफाई देंगे। विवाद पाकिस्तान के एक वीडियो पे हुआ जो 24 अप्रैल को था, इससे आप साफ समझ सकते हैं कि जो अप्रैल का वीडियो है उसके मई के लास्ट में विवाद नहीं होना, यानी लोग कुछ और दिखा रहे हैं और मैटर कुछ और है। पाकिस्तान के तहरीके लबैक पार्टी के बारे में हमने बोला था कि ये सब पंचर छाप है सर, हमने किसी पूरे पाकिस्तान को नहीं बोला, ना ही किसी मुसलमान का नाम लिया, बस आप उन वीडियो वालों को कहिए कि उसने बोला ना कि मुसलमान नाम लिया, हमने तहरीके लबैक पार्टी को बोला क्योंकि ये लोग फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल रहे थे, खुद पाकिस्तान की पुलिस ने इन्हें जेल कर दिया, खुद पाकिस्तान ने जेल किया, उनके समर्थन में लोग हमको कह रहे हैं यहां पर। हम इस बचवा को बोले थे कि तोरा तहरीके लबैक पार्टी वाला यहां पर पंचर साटेगा, ना कि हमने किसी मुसलमान को बोला था। बचपन में हम लोग के भी टीचर कहते थे अरे पढ़ लिख ले रहे ना तो गोबर उठाएगा घास काटेगा, उस समय हम वीडियो बनाए हुए थे, उस समय इतना भयानक ही लोगों ने बहिष्कार कर दिया था फ्रांस का कि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ऊपर जूता का ई करके पोस्टर निकाला था। और हद बेशर्मी इन लोग की देखिए कि इन्होंने अपनी संसद भवन में एक प्रस्ताव पारित हो गया कि पाकिस्तान का वह राजदूत जो फ्रांस में बैठा है उसे वापस बुलाया जाए। तो जब यह प्रस्ताव पाकिस्तान के संसद से पारित हो गया तब पता चला कि पाकिस्तान का कोई भी राजदूत फ्रांस में बैठा ही नहीं है, इन लोग का ससुरों का मुंह लजा गया। अब इसी बीच इसमें पाकिस्तान में बहुत जो बवाल हो रहा था उसी बीच एक तहरीके लबैक पाकिस्तान की पार्टी है, तहरीके लबैक पाकिस्तान पूरा नाम है इसका। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा धार्मिक कट्टर है, तो होता क्या है देखिए जो इलेक्शन होता है ना डेमोक्रेसी, इसमें सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना कि मेजॉरिटी के खुश रखो, मेजॉरिटी को अपने फेवर में रख लो हम जीत जाएंगे। तो इस चोट्टा सब मेजॉरिटी के चक्कर में कभी सिखों के ऊपर अत्याचार करेगा, कभी ईसाइयों के ऊपर, कभी हिंदू के ऊपर, कभी जैन के ऊपर, मतलब वहाँ बौद्ध के ऊपर टॉर्चर करते रहो वहाँ पर पाकिस्तान में, तो ये कोई बहुत नया बात नहीं है। तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया कि अरे फ्रांस को तो बर्बाद कर देंगे ये कर देंगे। तो उस समय कोरोना था तो इमरान खान ने इन लोग को समझाया कि देखो भैया 2020 है तो हम 2021 में फ्रांस के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेंगे, उनके राजदूत वगैरह को बाहर निकालेंगे। तो ये शांत बैठ गया सब, और जब 2021 आया ना
तो भाई साहब ये बवाल कर दिया सर। कहा सर कि तुमने बोला था 2020 में कि हम फ्रांस के राजदूत को निकालेंगे, निकालो, 2021 आ गया भाई, एकदम भयानक हो गया। 11 को पुलिस वालों को ये कैप्चर करके लेके चले गए थे सब, तरीके लव बैक वाले, बाद में उन्होंने छोड़ दिया उसको। अब इमरान खान दोनों डबल समस्या में पड़ गए कि ऐसा मैटर जो पूरी दुनिया भुला चुकी है उसमें किसी राजदूत को लौटा देना मतलब अपने रिश्ते को खराब करना है, लेकिन ये लोग सबसे सुधर नहीं रहे। और यहाँ पर अभी ये तहरीके लव बैक पार्टी जो है वहाँ पर इसको काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड मिल रहा है वहाँ पर प्रचार। छोटी मोटी पार्टियाँ क्या चाहती हैं, उल्टा सीधा बयान दे दो, ये कर दो ताकि न्यूज़ में रहें हम, ताकि अगली बार में ये हो सके। ये लोकतंत्र में ये बहुत ख़राब खेल होता है। किक आउट द फ्रांस एम्बेसडर, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकालो। अब बताइए फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाल देने से इनका समाधान हो जाएगा? कोई समाधान नहीं होने वाला है। ये लोग रैली पर रैली करते जा रहे हैं। अब ये देखें ये रैली में ये बेचारा बचवा है, इसको क्या पता है कि राजदूत क्या चीज़ होता है? कोई पता नहीं है, लेकिन फ्रांस के राजदूत को बाहर ले जाए गए हम। ये देखिए इसको, इसको आपको कुछ पता नहीं है। बाबू लोग तुम लोग पढ़ लो, अब्बा के कहने पे मत आओ, अब्बा तो पंचर साटिए रहे हैं, ऐसे ही तुम लोग भी करेगा ना, तो बड़ा होकर तुम लोग भी पंचर साटेगा लो, तो पंचर मत साटो वरना तुमको तो पता ही है, नहीं तो कुछ ना होगा तो चौराहा बैठ के मीट काटेगा तुम बकलोल कहीं का। बताइए ये उम्र है बच्चों को यहाँ पे ले आने का, बैनर से छोटा बेचारा ये है, क्या कीजिएगा? 18-19 को पैदा होंगे सर, तो कोने काम आएगा सर, कोनो कोनो बर्तन धोएगा, कोनो बकरी काटेगा, कोनो पंचर साट, एक दो गो रहे सब तब ना आदमी बहुत। दूसरा विवाद, हमने यहाँ की पार्टी जो थी तहरीके लब्बैक वो सब जो थे सब, उनको बोला था कि भैया 18-19 तो पैदा हो गए तो क्या होगा? आपने कहाँ सुन लिया कि हमने मुसलमानों को बोला, हमने पाकिस्तानियों को बोला? हम वो जो पार्टी वाले उपद्रव फैला रहे थे उनको बोला था यहाँ पर। और वहाँ का ये कल्चर है, इमरान खान की खुद की 3-3 पत्नियाँ, हम भारत में नहीं कर रहे, आपको गूगल करके दिखा देते। हमने गूगल पे लिखा था हाउ मेनी चिल्ड्रन यूएई किंग, यूएई के राजा के कितने बच्चे, 30 बच्चे दिखा दिए यहाँ पे, आप भी गूगल पे सर्च कर लो। हमने बोला हाउ मेनी चिल्ड्रन सऊदी अरब किंग, 13। हम ये थोड़ी करें कि हिंदुस्तान में पढ़ाई के दौरान कभी कोई टॉपिक आएगा तो उसको बताएंगे। अब आप कहो कि ये अब ऐसा थोड़ी होगा कि हम आएंगे कहेंगे चल मुसलमान को बदनाम किए बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, आज बदनाम कर देते हैं, चलो बदनाम कर देते हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। आप 10 सेकंड का वीडियो देख रहे हैं, पूरा देख लो, अगर केवल विवाद 10 सेकंड से होता है पूरा देखेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा, लेकिन इन लोग का यूट्यूब चैनल कैसे चलेगा, फेमस कैसे होंगे? 15-15 को वीडियो बनाओ खान सर के लिए, यही बहाने हैं, चमक जाओ 20 मिलियन 30 मिलियन। सबसे ज्यादा विवाद इस पे, भारत के मुसलमान पढ़ता लिखता नहीं पंचर साटता। देखो भैया यहाँ ध्यान से समझो, ये किसी दूसरे चैनल ने मेरे इस चीज पे इस तरह से करके बनाया है, ये मेरे ऑफिशियल चैनल पे आपको मिल ही नहीं सकता है, इमोजीन लगा दिया है। एक्चुअली ये पॉलिटी का क्लास था जिसमें हम SC ST आयोग OBC आयोग को पढ़ा रहे थे, उसी में मुसलमानों के लिए बनाया गया था सच्चर कमेटी, पीछे लिखा है, पढ़े लिखे हैं समझिए। उसमें हमने बताया था कि सच्चर कमेटी ने कहा था कि मुसलमानों की स्थिति अच्छी नहीं है, शिक्षा में भी नहीं है, ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षा में आगे नहीं बढ़ते। इसी बीच हमने ये बताया था कि इनके आय का स्रोत ज़्यादातर गल्फ कंट्री विदेश में जाके ये लोग नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। उसी सिलसिले में हमने ये बता दिया था कि छोटे मोटे बिजनेस में आते हैं, जिसमें हमने ये भी बताया था कि नहीं ये लोग साइकिल वगैरह की दुकान पे मीट वगैरह पे रहते हैं। हमने केवल ये नहीं बोला था चल आओ मुसलमान को बदनाम करो, कैमरा ऑन करो जी, खान सर आ गए, मुसलमान को बदनाम करो, हाँ पंचर साटता, ऐसे कभी हो सकता है? उनसे कहिए ना कि इनसे पहले वाला वीडियो बनाए जिसमें हमने पूरा सच्चर कमेटी के बारे में बताया, पिछवा लिखा है तब वो समझो भैया पॉलिटी का क्लास चल रहा है, और ये क्लास 2020 का है, अक्टूबर 2020 उसमें ये क्लास चला होगा यहाँ पर। एक और लोग कह रहे हैं कि हमने मक्का मदीना के बारे में गलत बताया। देखिए इसराइल का टॉपिक था जिसमें हम ये बता रहे थे कि जो अलक्सा मस्जिद है वो तीसरी सबसे मतलब पाक जगह है, जिसमें आपका काबा मदीना, जिसमें हम ये बताए थे कि मक्का, ताकि आम आदमी समझ सके। कुछ कह रहा है कि गलत जानकारी, भैया हम मक्का मदीना टॉपिक नहीं समझा रहे थे, सबको पता है बैतुल मुकद्दस क्या चीज़, आबे जमजम क्या है, तवाफ कहां किया जाता है, उमरा कहां किया जाता है, मदीना क्या है, मस्जिद अलक्सा कहां पर है, कहां पे, ये सबको पता है, जब वो टॉपिक आएगी तब बताएंगे। आम आदमी को ये सबसे मतलब जो हज करने नहीं जा रहा है या फिर जो मुस्लिम नहीं है उसको इतना डिटेल आबे जमजम पढ़ा के क्या होगा? आपको कोई हवन कुंड बताए यूट्यूब पर आके कि देखिए ये हवन ऐसे होता है, मृत्युंजय यज्ञ का ये फायदा होता है, अश्वमेघ ऐसे होता है, आप समझेंगे? नहीं होगा। अब कह रहे हैं कि गलत जानकारी, नहीं भैया वो इसराइल का टॉपिक था, इसराइल पर फोकस था, यहां पर बस इसलिए इसे लाए थे कि ताकि ये दिखा सके हम। इस जहाज वाले के लिए बड़ी फेमस कर रहा है सब कि सुरेश ने जहाज उड़ाया, अब्दुल ने उड़ाया, कहानी पूरा समझिए। ये टॉपिक आया था जब हम नेपाल पढ़ा रहे थे, नेपाल को बताया कि हिमालय वाला जगह है, यहाँ लुकला एयरपोर्ट बहुत खतरनाक है, त्रिभुवन एयरपोर्ट जो काठमांडू का है वो सेफ है। इसी में हम प्लेन हाईजेक के बारे में बताया कि यहां से 1999 में हमारी भारत का एयर इंडिया IC 814, ये IC 814 1999 में हाईजेक कर लिया गया था, और इसे हाईजेक करके ये दिल्ली आना था, लेकिन इसे अमृतसर लैंड कराया गया, फ्यूल भर के इसमें
फ्यूल नहीं मिला वहां से, तो फिर लाहौर ले गया गया, वहां से फ्यूल भर के दुबई ले गया, दुबई से फिर कंधार ले गया, और हमारे बहुत से मासूमों को वहां 6 दिन तक बंधक बनाया गया। रिपन कतिया जो हनीमून मनाने जा रहा था, अपनी शादी के नई नई शुरुआत था, उसको सीने में चाकू घोंप के मार दिया इन टेररिस्टों ने। हम वही बता रहे थे जिसमें सबसे फेमस नाम मौलाना मसूद अजहर था। आप बताओ भैया, ये कहानी तो तूने बताई नहीं, ऐसे थोड़ी हो गए। खान सर आए हैं, कैमरा चालू कर, बोलो। जहाज उड़ा दिया। भैया इनका नाम हम क्या रख दे, हमने एज इनको सबका टेररिस्टों का नाम नहीं याद था, तो हम क्या नाम रख दे इनका, इनका नाम रख देते न्यूटन, आइंस्टीन, माइकल फराडे, यही नाम रख देंगे। भैया इन्हीं लोगों ने ना हाईजेक किया, आप गूगल करके बताना कि जहाज को किसने हाईजेक किया था, जो हमने इस फोटो में बता रहे थे। आप बस वही बात बताएंगे। स्मॉग होना चाहिए, जिस तरह से आग लगता है तो ऑटोमेटिक कैसे पानी निकलने लगता है, वैसे ऑटोमेटिक एक ऐसा सिस्टम रहना चाहिए कि उसमें बेहोशी की दवा निकलने लगे, गैस निकलने के बेहोशी के चक्कर में। पायलट आराम से दाब दे उतारने के बाद, अपनों बेहोश हो जाए, हाईजेक वाला भी बेहोश हो जाए, सब बेहोश जहाज में 2 घंटा। कमांडो आएंगे सर, खोल खाल के लेके चल जाएंगे सर, उठाएंगे सर, इंडियन आर्मी के कमांडो, चलिए अब्दुल भाई चलिए। सुरेश जहाज उड़ाया, अब्दुल ने जहाज उड़ाया, भड़काया। जैसे अब्दुल कलाम पर सबको फक्र होता है ना, लेकिन अजमल कसाब का सबका सब नीचे झुक जाता है, वैसे ही इन लोगों के वजह से भी ऐसा ही होता है। हम कौन सा चाह रहे हैं, किसी को आतंकवादी बनाना थोड़ी चाह रहे हैं, हम भी तो यही कर रहे हैं कि कोई अब्दुल कलाम बने ना बने, लेकिन कोई अजमल कसाब ना बने। हाँ ये बात जरूर है कि हम अपने वीडियो में पाकिस्तान को कुछ ज्यादा ही धो देते हैं। आप बताइए ना, जिसने हमारा POK ले लिया, जिसने ताज होटल में बम ब्लास्ट करके चल गया, हम उनकी इज्जत करेंगे? हमने वीडियो में बताया था पाकिस्तान की औकात, उसकी नक्शा की तुलना कुत्ता से कर दिया था, इवन गूगल पे भी यही वाला सीन दिखाएगा। हम बोल दिए थे इनका मेकअप कर दिए थे, बोलते थे पाकिस्तान के रहने वाले को आतंकवादी बोलते हैं, हम बोलते थे पाकिस्तान आतंकवादी सप्लाई कर सकता है, इसको हम चीन का रखेल बोल देते हैं कभी कभी, कभी कभी इसको बवासीर बोल देते हैं। हम क्या करेंगे, बड़ा बुढ़ौती में 3 को ब्याह करेगा तो क्या कह देगी, बहुत शरीफ है, बाल ब्रह्मचारी है, हम तो ये 3 को ब्याह किया। अब भाई तुम्हारे देश का मैटर है, तुम 3 की जगह 300 कर लो, हमको क्या मतलब है। मेन विवाद यहां से नहीं शुरू हुआ, वो हुआ इसराइल फिलिस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट पे। कुछ लोगों का ये सोचना था कि हम खुला समर्थन कर दे इसराइल का, कुछ लोग ये सोच रहे थे खुला समर्थन कर दे फिलिस्तीन का। ऐसा हुआ ही नहीं, बल्कि हमने क्या किया, जो एक बैलेंस तरीका था, जो भारत सरकार का अप्रोच था उसने बताया, जिसमें हमने सबके वीडियो क्लिप भी दिखाई कि भारत सरकार का क्या कहना है, हमारे राजदूत का क्या कहना है, अटल बिहारी वाजपेयी का क्या कहना है, सब यही हुआ। तो कुछ लोगों को लग गया कि हम फिलिस्तीन का साथ दिए हैं, तो ऐसे हमको फिदायीन घोषित कर दिया कि मतलब हम देखो राइफल उपल देख के हमको फिलिस्तीन का हमास का आतंकवादी दिखा दिया मियां खलीफा उपे के साथ। ये सब भाई साहब ई भड़क गए, इनका कहना है कि हमने क्यों फिलिस्तीन का साथ दिया, भाई साहब इनका कहना है कि तुमने फिलिस्तीन का साथ क्यों दिया। अब मुसलमान लोग जो ट्वीट कर रहे हैं उनका कहना है कि तुमने फिलिस्तीन का, ये कह रहे हैं कि फिलिस्तीन का साथ क्यों दिया, और वो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिए। भैया ये आपस में है, आप उसको गौर से सुनिए, हमने जो ऑथेंटिक चीज थी वही बताया है, किसके हिसाब से आप चलेंगे। ये देखिए ऋषभ मिश्रा जी कर रहे हैं, खान सर लव यू अ लॉट, कोई कितना भी बदनाम कर दे अपने आप को, वैसे ही रखना हम आपके साथ है। मुझे तो इंडियन गवर्नमेंट पे डाउट हो रहा है, भाई साहब इनको इंडियन गवर्नमेंट पे डाउट हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के खिलाफ आप भी बोले थे, डॉक्टर कफील के साथ क्या हुआ याद है। अब बताओ भैया इनका एक अलग ही विचारधारा, इनको सुनिए ध्यान से, इनका सुनिए। वीवी राजीव जी हैं, कह रहे खान जी यू आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग बीजेपी। भैया बीजेपी को इन ईच ऑफ योर वीडियो, मतलब हम ईच ऑफ योर क्लास, हम हर क्लास में, मैंने और हमारा कोई काम नहीं है, हर क्लास में, मतलब ये लोग एक विचारधारा बना के बैठे कि ये इसके साथ में है, इसके खिलाफ में। जो वीडियो डाले हुए उनको भी अच्छा अच्छा कमेंट सुनने को मिला होगा। सबसे जबरदस्त ये कमेंट पढ़िए, जतिन गुप्ता जी ने कह रहे हैं कल तक आप खान सर थे तो बहुत पसंद किए जाते थे, आज खान नहीं रहे तो नापसंद किए गए, ये होता है सेकुलरिज्म। सोचिए आपके इस वजह से बहुत से लोगों को आहत हुए हैं। एक्चुअली ये कंट्रोवर्सी बहुत पहले से स्टार्ट थी, यहाँ पर कई लोगों ने बोला है, यहाँ पे कभी हम लोग ट्रेंड कराए थे सारे टीचर मिलके मोदी रोजगार दो, या स्पीक अप फॉर SSC एंड रेलवे स्टूडेंट्स वगैरह वगैरह। कंगना रानोट बेचारी रूबिका लियाकत को एक बार GDP पे हम बोल दिए थे, उसी वक्त से हमको थोड़ा सा था ट्रोल करने लगा। ये तो भेड़ चाल में फंस गए हैं लोग, इन लोग को पता नहीं चल रहा है ये क्या किए। इन लोगों ने वैसा ही काम किया है जैसे शिवकामी देवी चाल में फंस के बाहुबली को मरवा दी थी, अब बाद में पछता के क्या करेंगे। इन लोग को भी समझ में नहीं आ रहा ये जो ट्वीट करा है लोग, इन लोग को क्या बताएं। पटना में जहाँ मेरा कोचिंग है उसमें ज़्यादातर जगह तो रहता नहीं बैठने का,
वहां आप देखेंगे ना कि वहां एक गायत्री परिवार है, बहुत बेहतरीन काम करते हैं ये लोग, गरीब को, अनाथ को, जो कूड़ा बीनते उन लोग को पढ़ाता है ये लोग, बहुत अच्छा काम करते हैं। हम लोग इन्हें से ऑफिशियली नहीं मिले, लेकिन जो यहाँ के सेवक हैं, जो बच्चे हैं वो पढ़ाते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं भैया तुम उन्हें पढ़ाओ, तुम्हें जब भी वक्त मिले मेरे यहाँ आके पढ़ लिया करो। ये लोग जिस बैच में आके पढ़ लेते हैं फीस नहीं लेते। जो वहाँ पे होटल रेस्टोरेंट वगैरह है, तो रेस्टोरेंट में ज़्यादातर जो वेटर होते हैं वो शाम की ड्यूटी में लगते हैं, सुबह दोपहर में उतना रेस्टोरेंट नहीं चलता है। तो वेटर जितने सर ने उनको कहते भाई तुम पैसा उसे मत देना, जितना भी पढ़ना है तुम सुबह वाले बैच में पढ़ लो, रात वाले में ड्यूटी कर लेना। यहाँ पे जो वहाँ मदरसा है ना, आज भी वहाँ के मदरसा के लोगों को हम ही नहीं कहते कि तुम मदरसा में मत पढ़ो, हम कहते हैं कि तुम आके फ्री में पढ़ लो हमारे यहाँ, तुम्हें हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे, पैसे नहीं लेंगे। यहाँ पे आज भी मदरसे में वहाँ लोग आते हैं। आज जब ये लोग, उन लोगों ने ट्वीट देखा ना, करेंगे सर प्लीज आप हम लोग को मत निकालिए। हम इनको कैसे समझाएं, हम आप लोग को नहीं निकालेंगे। पटना में एक बहुत अच्छा, मतलब यतीम खाना कह लीजिए, मदरसा वगैरह सब है, वो एक बार हमसे कहें कि खान साहब थोड़ा सा चने का दाल का इंतजाम करा देते बच्चों के लिए। हम कहें कि चने का दाल ज़्यादा कोई तो खाता नहीं, तो कभी कभी बनता है। तो कहें कि गरीब बच्चे, अनाथ हैं, यतीम, इनको कौन सा दाल दिया जाए। हम कहें आज से जब भी होगा आप हमारे पास चले जाइएगा, जितना ज़रूरत हो। आज बेचारे वो फ़ोन किए थे मेरे पास कि खान साहब आप प्लीज़ ये सब बंद मत कीजिए। हम कैसे बताइए यार आप लोग को, आप लोग अपने चैनल को चलाने के लिए, अपने चैनल पे व्यूज पाने के लिए, पैसे कमाने के लिए किसी को भी बदनाम कर सकते। देखिए हम हिंदुस्तान की इज्जत करते हैं, भारत माँ की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हर हिंदुस्तानी की इज्जत करेंगे। जो अच्छा हिंदुस्तानी होगा उसकी तारीफ होगी, जो गलत होगा उसको लोग गलत भी बोलें। उसी तरह से हम हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सारे धर्मों की इज्जत करते हैं। अब कोई कहे कि इस्लाम धर्म की इज्जत करो तो हम भैया अल्लाह, नबी पाक, कुरान, रोज़ा सबकी इज्जत करते हैं, लेकिन इस नाते अगर कोई कहे कि आप हर एक मुसलमान की इज्जत कीजिए, चाहे वो अब्दुल कलाम हो, चाहे अजमल कसाब हो, तो ये नहीं हो सकता है। हम ये कहेंगे कि अब्दुल कलाम बहुत अच्छे थे, तो ये भी कहेंगे कि अजमल कसाब आतंकवादी था, IC-81 विमान हाईजेक कराया गया था मौलाना मसूद अजहर के लिए 1999 में। हम ये खुल के कहेंगे, हम यहाँ इज्जत करते हैं। जिस दिन हमारे किसी धर्म की इज्जत से कमी आएगी, हम कभी नहीं हो सकती हमसे। इस्लाम और मुसलमान दोनों में अंतर होता है। अभी इन लोग के हिसाब से हम क्या करेंगे, अब ये लोग कभी एक जगह बैठते तो एक आदमी कहेगा कि फातिया करना सही है, एक आदमी कहेगा फातिया गलत है, कोई मौलाना साहब कहेंगे कि मजार पे जाना गलत है, एक आदमी कहेंगे सही है। तो ये लोग तो भाई इन लोग के हिसाब से हम नहीं ना चल सकते। इस्लाम के हिसाब से देखिए, क्या आप इस बात को इनकार कर सकते हैं, फिरका परस्ती खान साहब ने चालू किया था। लोग हम क्या कहते हैं कि RSS का आदमी है, बताइए तो फिरका परस्ती कोई अमेरिका, इजराइल, RSS ने चालू किया था। आपका गुस्सा आएगा तो आप कुछ भी बोल देंगे, ये नहीं समझेंगे इस गुस्सा से लॉस किसको होता है। खुद पढ़िए नबी पाक का कॉल, समझिए गुस्सा हराम है। नहीं समझ में आया आप लोग को। हम विवाद में इसलिए आए क्योंकि हमारे लिए देश सबसे बड़ा था, हम देश को सबसे ज्यादा समझते हैं। लोग मेरे नाम के पीछे पड़ते हैं, हम आपसे कहते हैं क्या आप बता सकते हैं कि आपकी हिफाजत के लिए बॉर्डर पे जितने फौजी खड़े हैं आपको नाम पता है? आप उन फौजियों की शहादत को भूल गए। आप याद कीजिए जब हम गुलाम थे तो उस वक्त कितने लोगों ने शहादत दी, लाखों लाख लोगों की शहादत हुई, आपको उनका नाम नहीं पता है। लेकिन आपको कंट्रोवर्सी ये जानना है कि ये अमित सिंह है या खान है, यार क्या बात करते हैं। काश कोई ट्वीट होता जब छत्तीसगढ़ में हमारे CRPF के जवानों को घेर के मारा था उन लोगों ने, काश एक ट्वीट होता जब पाकिस्तान के कुत्तों ने हमारे शेर को घेर लिया था, अभिनंदन के लिए ट्वीट अगर ट्रेन पे जाता तब समझ में आता। काश कभी एजुकेशन के लिए एक तो ट्वीट हो जाता तब समझ में आ जाता। हम क्या बताएं भारत में, हम आपको कैसे समझा दें? आप बताओ, आप कहते हो पाकिस्तान की इज्जत करो, उसके यहाँ के लोगों को बोलो जिस पाकिस्तान और चाइना ने भारत माँ का आंचल उठा दिया उनकी इज्जत करें। हम हमारा कश्मीर, हम कहते हैं हमारा सर है, एक ओर से POK पाकिस्तान कब्जा किया, एक ओर से अक्साई चीन चाइना कब्जा किया। हम हर भाषा में भाषा की मर्यादा का इज्जत रखते हैं, लेकिन जो मेरे भारत माँ का आंचल उठाएगा उनकी कोई इज्जत नहीं होगी। हम कहते हैं पाकिस्तान के लोगों को हम एक बुराई नहीं करेंगे, बस मेरा POK लौटा दो। हम चाइना को भी फादर ऑफ कोरोना, उसको बकलोन तकलोन सब बोलते हैं, अगर वो बस इतना कह दे कि मेरा अक्साई चीन लौटा दे, हम उनके नाम के आगे 108 बार सीरी सीरी। लेकिन अभी कोई सोचे कि हम पाकिस्तान के तहरीके लब्बैक की इज्जत करें, इमरान खान की इज्जत करें, नहीं हो सकता हमको। यहां पे बस हमारा लौटा दे, हमारा बस यही है कि मेरे भारत माँ का नाम ऊंचा होना चाहिए। हमें अपने से कोई मतलब नहीं रहता, हमें खुद से स्वार्थ रहता तो हम बहुत बताते कि मेरा ये मेरा वो, हम कुछ नहीं बताते। बस यही चाहते हैं मेरी भारत माँ का नाम ऊंचा रहे। हम चाहते कि हर एक इंसान हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाए भारतीय, लेकिन क्या कहेंगे भारत माँ। आज हमको ये लोग ना हिंदू मुसलमान बना दिया। आप इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए कि हम सब आपके संतान हैं, हिंदुस्तानी बन के रहे। इन लोगों ने क्या कर दिया, आज हमको ये बताना पड़ रहा है कि हमारा नाम क्या है।
क्या दिन आ गया ये। हमको अब रामायण का वो सीन याद आ रहा है जब सीता जी इतनी मुश्किल से वनवास काटी थी, रावण के लंका में जब लंका दहन देखी, ये सब कुछ होने के बावजूद जब उनको अग्नि परीक्षा में बैठना पड़ा तो उन्होंने क्या कहा कि हमने क्या सोचा था क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमको इस धरती से चले जाना चाहिए और धरती में समा गए। आज हमको भी लग रहा है कि अब बहुत जल्दी हमको भी अब यूट्यूब से अलविदा कह देना चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट इस दिन के लिए तो हम यूट्यूब पर आए ही नहीं थे। हम एक नॉर्मल टीचर थे, लॉकडाउन हो गया था तो क्या करते, कैसे पढ़ाते, तो एप्लीकेशन पे पढ़ाते, यहाँ भी पढ़ाते। अब लगता है कि अगर ये सही कंट्रोवर्सी चलते रहा तो वो लोग भी खुश हो जाएंगे, उनको भी लगेगा जीत उनकी हो गई। बाकी आप लोग क्या कहते हैं कि हमें छोड़ देना चाहिए या नहीं छोड़ देना चाहिए, आप अपनी राय कमेंट में बताएंगे कि हमने क्या गलती किया, क्या हिंदुस्तान के लिए बोलना गलत है, जो हमारा जमीन कब्जा किया, जो हमारा शत्रु राष्ट्र है, क्या उससे भी इज्जत से बात किया जाए, आप जरूर बताइएगा। इसमें सबकी अलग अलग विचारधारा है। कुछ को लगता है हम खुला बोल देते हैं, हमारी सोच क्या थी कि जैसे हम यूट्यूब पर थोड़ा सा मतलब एक अच्छा खासा ग्रोथ हो जाए, ये हो जाए, तो हम लोगों की बात को वहाँ तक रखवाएंगे, चाहे वो कोरोना की वैक्सीनेशन हो या कोई भी चीज़। आप देखिए, हमने गवर्नमेंट की जहाँ क्रिटिसाइज करने की जरूरत थी वहाँ हमने किया भी था, जहाँ नहीं जरूरत थी वहाँ नहीं किए थे। हम सोचे थे कि सबकी बातें वहाँ रखेंगे, लेकिन सोचा था कि बैठ के आराम से बातें करेंगे, इससे पहले की बात होती आप गैर हो गए। जो हाथ आपकी ओर बढ़ रहे थे मदद के लिए आपने काट दिया उन्हीं हाथों। लेकिन हमें कहते हैं ना कि ऐसे लोग बहुत कम है, ये लोग भेड़ चाल में फंस गए, इन्हें पता भी नहीं है कि इन्होंने ट्रेंड ही नहीं कराया, ट्रेंड कोई और करा रहा है और ये लोग भेड़ चाल में फंस गए। सबकी अलग अलग विचारे हैं यहाँ पर। बाकी जो साथ हैं आप बताइएगा कि हमें यूट्यूब छोड़ देना चाहिए या नहीं। इतना बड़ा परिवार मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन आप कहेंगे तो छोड़, अब क्या कहेंगे, लेकिन हाँ तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। अब पता नहीं कौन सा वीडियो अब आखिरी हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट। जय हिंद।